उत्तर प्रदेश में प्रोटेम स्पीकर तय करने के लिए विधानसभा सचिवालय ने 17 नव निर्वाचित सदस्यों की सूची राजभवन को भेजी है और 17 नेताओं में कई बड़े नाम शामिल हैं। प्रोटेम स्पीकर विधानसभा सत्र शुरू होने पर विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कराएंगे, वहीं नव निर्वाचित मेंबर्स को शपथ भी दिलाएंगे। 17 नाम भेजे गए हैं, उनमें सुरेश खन्ना का नाम भी शुमार है, दुर्गा यादव, अवधेश प्रसाद, जय प्रताप सिंह और सतीश महाना, रमापति शास्त्री, रामपाल वर्मा, रघुराज प्रताप सिंह, माता प्रसाद पांडे का नाम शामिल है और साथ ही साथ आजम खान का नाम भी इसमें शुमार है। अब इन नामों में से किसको मौका मिलता है, किसका चुनाव होता है, इस पर लगातार नजर है। कौन बनेगा प्रोटेम स्पीकर? ये तमाम बड़े नाम बहुत सीनियर हैं अपने आप में सारे के सारे और राजा भैया का नाम भी इसमें शुमार है। इसके अलावा आजम खान चूंकि वो जेल में है तो उनके नाम को लेकर कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आ सकता है या फिर उनकी तस्वीर हो सकता है साफ ना हो, लेकिन इनके आजम खान के अलावा जो भी बड़े नाम है उनमें से किसी एक का चुनाव किया जाएगा और कोई एक बनेगा प्रोटेम स्पीकर। योगी आदित्यनाथ ने आज पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की। गोरखपुर में उन्होंने बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाकर इस अभियान का आगाज किया और इस दौरान उन्होंने प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था की चर्चा की, साथ ही पिछले 5 साल में हुए काम पर भी फोकस किया। पोलियो अभियान 20 से 28 मार्च तक चलेगा और अभियान में यूपी में कुल 3,04,00,000 बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। अर्बन रूरल सीएससी पीएससी के साथ साथ स्वास्थ्यकर्मी डोर टू डोर जाकर के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाएंगे। यद्यपि उत्तर प्रदेश ने पोलियो उन्मूलन के इस कार्यक्रम को आज से 12 वर्ष पहले सफलतापूर्वक इसका समाधान भी निकाल लिया था, लेकिन पिछले 12 वर्ष के दौरान जो बातें दुनिया के अंदर देखने को मिली है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अभी भी पोलियो से जुड़े हुए मामले देखने को मिले हैं और बीमारी संक्रामक होने के नाते यह इसका खतरा लगातार बना रह सकता है, इसलिए जब तक कि पूरी दुनिया से इसका पूरी तरह उन्मूलन नहीं हो जाता है तब तक इस सतर्कता के लिए हमें न केवल वर्तमान को बल्कि भावी पीढ़ी को भी बचाने की दिशा में एक सार्थक प्रयास करना होगा और पल्स पोलियो अभियान उसी का हिस्सा है।